एक चीज हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि वेस्ट बंगाल में कोई भी बीच साइड में जाओ तो ऐसा समुंदर किनारे हम के टाइम समुंदर के साइड आए हो और जाएंगे। लंच खत्म करेंगे या फिर उसके बाद बीच के लिए प्रोसीड करेंगे। सो सभी का हालत कुछ ऐसा हो के रखा है, सब उजड़ा चमन हो के रखा है। अभी अभी यहाँ पे प्रोटीन डाल के फिर जाएंगे बाहर घूमने के लिए। सो हम लोग का लंच वंच हो गया है कंप्लीट। अभी हम लोग बीच की तरफ थोड़ा वॉक करते हुए जा रहे हैं क्योंकि जितना हम लोगों ने खाना खाया वो सबको हजम भी करना है ना। तो मैंने पान तो लिया है लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा चलना ही बेस्ट है। थोड़ा चल के अभी बीच की तरफ जाएंगे, थोड़ा बीच बीच देखेंगे, थोड़ा बीच का वाइब्स लेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्टली हम लोग हेनरी आइसलैंड जिसके लिए हम लोग आए थे वो जगह के लिए प्रोसीड करेंगे। सो फाइनली हम लोग बीच पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग बीच पे ये देख सकते हैं पीछे समुंदर दिखाई दे रहा है। समुंदर नहीं, समुंदर है कि नदी है? समुंदर। सो ये पीछे समुंदर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इतना बालू हो गया, इतना मतलब ये जो बालू क्या होता है, हम लोग जब अंडमान में रहते हैं, अंडमान में क्या होता है बालू वगैरह क्लीन किया जाता है, यहाँ पे वो तो उतना अच्छे से नहीं होता, तो इसलिए बालू पड़ पड़ के देखो समुंदर अभी वो दूर में चला गया है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है वो दूर में। और अभी लो टाइड चल रहा है ना, अभी वैसे भी लो टाइड चल रहा है, हाई टाइड चलने से कितना दूर तक पानी, इतना दूर तक तो पानी आता ही नहीं है। हाँ फुल हाई टाइड है, सॉरी फुल हाई टाइड है। फुल हाई टाइड में भी देखो पानी इतना दूर नहीं आया वहाँ तक है। सो देखो कैसा हालत हो गया। और यही सबसे बड़ा बीच है, दूर दूर तक कुछ नहीं, कुछ नहीं, उधर वो और उधर डायरेक्ट वो, कुछ नहीं बीच में, सिर्फ नॉर्मल चेयर वगैरह सब कुछ चल रहा है। यहाँ से हम लोगों को हेनरी आइलैंड जो जाना है वो आगे उस तरफ जाना है, उस तरफ। सो अभी बताते हैं फुल स्टोरी हम लोग कैसे ये बौखाली पहुँचे। हम लोग कल एक्चुअली रात भर हम लोगों ने पार्टी की है, तो पार्टी कंप्लीट करने के बाद 4 बजे हम लोगों का दिमाग में ये आइडिया आया कि कहीं पे तो राइट पे चलते हैं, क्योंकि अंडमान में तो हम लोगों को इतना लॉन्ग डिस्टेंस मिलता नहीं। फिलहाल हम लोग जो आइलैंड में रहते हैं वहाँ पे सिर्फ 22 किलोमीटर, मतलब बाइक स्टार्ट करने से पहले ख़त्म हो जाता है रोड। सो हम लोग प्लान किए कि चलो कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए। सो 4 बजे प्लान बना, बौखाली जाएंगे जो कि 110 किलोमीटर है, 111 किलोमीटर है। 4 बजे प्लान बना, 5 बजे सब घर से निकले। अभी 4 जन देखो यहाँ पे है, इस 4 जन में सिर्फ बैचलर बोलने से एक दो, और हम दोनों शादीशुदा बैचलर है, उसका वाइफ आया नहीं और मेरा वाइफ मामा घर गया है। सो हम लोग बोलने से 4 जन अभी बैचलर है, ठीक है। सो हम लोग अभी यहाँ पे बैचलर लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट देना तो मैं भूल ही गया, एक्चुअली ये जो पॉइंट है कोलकाता का लास्ट पॉइंट है, इसके बाद कोलकाता ख़त्म हो जाता है और कुछ नहीं है। सो ये जो समुंदर है ये बोल सकते हो कोलकाता का लास्ट पॉइंट। सो हम लोग अभी वही जगह में खड़े हैं। सब जो ऐसा करके रखा है एक्चुअली ये बांध दिया है इसको, क्योंकि ये बालू पूरा निकल गया था यहाँ से, मतलब पूरा एकदम ख़त्म हो गया था इसका किनारा, तो इसको फिर से रीबिल्ड किया है सब। मैं जब बचपन में आया था मेरे को आज भी याद है ये सब विंड मिल वो टाइम में चालू था, ये जो विंड मिल सब दिखाई दे रहा है ये सब चालू था, लेकिन अभी ये सब कुछ ख़त्म हो गया सारा का सारा। अभी नॉर्मली एक शो है कि आप देख सकते हो कि ऐसा भी कुछ यहाँ पे था। बैठे बैठे क्या सोच रहा हूँ मालूम है, ये तो 15 तारीख को मैं आया था, आके से मिला, फिर हम लोग पार्टी किए कुछ किए, और आज सिर्फ और सिर्फ हाथ में कुछ 6 दिन ही बचा है मेरे रिटर्न जाने के लिए। मतलब सोचो 35 दिन टोटल छुट्टी मिला था मेरे को, कैसे बीत गया टाइम, और सिर्फ 6 दिन ही बचा है मेरा हाथ में। तो मैं पा के मजा करने वाला हूँ ताकि यही मेरा एक मेमोरी बन के रहे अगला 11 महीने के लिए। फिर 11 महीने बाद फिर छुट्टी में आऊँगा, फिर मेमोरी बनाऊँगा। सो अभी तो फिलहाल यही मेमोरीज में कलेक्ट करके लेके जा रहा हूँ अंडमान के लिए। यही सभी वीडियो देख के मैं अपना 11 महीने बिता दूंगा, फिर आऊँगा फिर कुछ नया मेमोरीज।
नहीं, ये तो कैलकुलेशन में नहीं था। अभी इतना देर हम लोग बैठे थे, कितना अच्छा हवा था, कितना क्लाउडी वेदर था। अभी देखो, अभी फेस में चमक रहा है, देखने से पता चल रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। सूरज देवता इतना जल्दी, मतलब इतना खतरनाक तरीके से प्रकट हुए, बाप रे बाप, उन्हें जला दिया मेरे को, खतरनाक तरीके से प्रकट हुए। फुल 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 सब खत्म कर देगा पूरा। टैन तो वैसे भी हो चुका है, और भी ज़्यादा टैन हो जाएगा। तो ब्याला के साइड से जो जो देख रहे हो, आराम से सैटरडे आके संडे रह के मंडे तक रिटर्न, अपना अपना ऑफिस में काम में ज्वाइन कर सकते हो, तो संडे शाम को भी जा सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, शाम को गाड़ी जितना कम चला सकते हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि रास्ते में कोई लाइट्स वगैरह कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा रिस्की कॉल है, अभी जिसको फॉग लाइट्स वगैरह सब कुछ है तो वो तो कर सकते हैं, बाकी तो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि अंधेरा रास्ता में चलाना बोलने से अपना आँखों का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अपना आँखों का पूरा 100% देना पड़ेगा, फिर जाके अंधेरा रास्ते में चला सकते हैं। अभी ये जो रास्ता है कितना अच्छा लगता है फॉरेस्ट, क्योंकि हम लोग का अंडमान का रास्ता भी कुछ ऐसा ही है, जंगल। सो अभी हम लोग आए फेरी पॉइंट पे। एक्चुअली यहाँ पे जितना भी फिशिंग बोट्स आता है वो सब कुछ आके यहाँ पे डॉक होता है, यहाँ से ये सब छोटा छोटा फिशिंग बोट लेके जाता है, जाके सब सनसेट ट्रिप लोकल छोटा छोटा आइलैंड घुमा के लेके आता है। और पीछे सब बोट बोट बनता है। अभी यहाँ से देखो एक बोट आ रहा है, ये इसको लेके जाता है फुल रिजर्व करके, जाके आइलैंड का टूर, सनसेट व्यू, ये सब कुछ करवा के लेके आता है ये सब बोट। बोलने से हाथ में थोड़ा सा टाइम लेके, मतलब 3-4 दिन का टाइम लेके फिर जाके ये सब कुछ विजिट कर सकते हैं। और ऐसा चार्जर नहीं, आने से मिनिमम एक 10-15 जन का एक ग्रुप आना, फिर जाके यहाँ पे मौज मस्ती करके आप आराम से रिलैक्स करके सारा पॉइंट का मज़ा उठा सकते हो। क्या बोलते हो, एकदम 10-15 जन का एक ग्रुप होगा, सब दो 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 जन का हिसाब से आएगा और बढ़िया मज़ा कर सकते हैं यहाँ पे। एक चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि वेस्ट बंगाल में कोई भी बीच साइड में जाओ तो ऐसा समुंदर किनारे सब शॉप बैठा रहता है, जहाँ पे जाके हम लोग ख़रीदारी कर सकते हैं, जो कि हम लोग का अंडमान में पॉसिबल नहीं है। अंडमान में कोई भी बीच में कभी भी शॉप नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी है रोड पे। सो बीच पे ये सब जो शॉप्स है सब देख के भी अच्छा लगता है कि हाँ, बीच का भी वाइब्स मिलता है, बीच पे बैठना, हवा खाना, उसके साथ साथ शॉपिंग करना, एक अलग वाइब्स। शाम के टाइम समुंदर के साइड आए हो और चाय की चुस्की, ये तो एक अलग ही वाइब्स देता है सही में। और साथ में लाल चाय, थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा मसाला, वो वाइब्स बना देता है। सो थोड़ा बहुत बीच पे टाइम स्पेंड करके अभी हम लोग घर की तरफ जाएंगे, थोड़ा हम लोगों का पार्टी, थोड़ा पर्सनल टाइम हम लोग इधर उधर स्पेंड करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जो मैं व्लॉग में दिखा नहीं सकता। एक नया डायलॉग सिखा है, माना गोटी बेगी है तो वो है बंगाली में, एक मतलब एक मीम्स बना है उसको लेके हम लोग कंटिन्यू सुबह से। मैं लास्ट जब आया था उससे बहुत ही ज़्यादा दुकान वगैरह सब कुछ बढ़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा, और देखने से मैं अभी बहुत अच्छा लगता है। वो टाइम में खाली खाली था लेकिन अभी बहुत ही अच्छा लगता है। सो हम लोगों का चेकआउट का टाइम हो गया है, एक्चुअली 10:30 का चेकआउट है हम लोगों का, और हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही नींद से उठे, फटाफट हम लोग फ्रेश अप हुए, ब्रश कुछ कैरी नहीं किया, बैचलर लाइफ जैसा होता है, मुँह में पानी मारो
रेडी हो जाओ और निकलो। सो अभी फिर से हम लोग राइड शुरू करने वाले हैं स्ट्रेट टू द होम, एंड लगेगा आज तो अच्छा खासा लगेगा टाइम, क्योंकि बाहर धूप भी खतरनाक है। क्योंकि कल हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो हम लोग राइड स्टार्ट किए थे 5 बजे, आज राइड स्टार्ट कर रहे हैं 10 बजे, 10 नहीं 10:30 ऑलमोस्ट, मेरे को लगता है कि शुरू होते होते 11 हो जाएगा। सो धूप तो खतरनाक तरीके से आएगा, 3 घंटा हम लोगों को पूरा तपती धूप सेकना है हम लोगों को, ठीक है? दोनों तरीके का एक्सपीरियंस हो जाएगा, बादल का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, धूप का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो हम लोग ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अभी थोड़ा सा एक हॉल्ट लेंगे, चाय दुकान में सब बैठा है एक्चुअली, सानूरा वो लोग बहुत पहले आ गया था, हम लोग थोड़ा सा लेट से, कमर दुख रहा है बहुत जोर का मेरे को। 50% कवरअप हो गया और 50% रोटी सिर्फ बचा है अभी ना, लाल चाय। छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट।